हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल राइस बिना प्रेशर कुकर के हम कैसे बनाते हैं। दो कप चावल ले लीजिए और चावल को अच्छे से धोकर एक घंटे तक भिगो के रख दीजिए। एक तपेले में 6 कप पानी ले लीजिएगा, उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी, स्वाद अनुसार नमक और 5 लविंग के टुकड़े डाल दीजिए और उसको अच्छे से गर्म हो जाए पानी, उसके बाद भिगोया हुआ चावल इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। भी 15 मिनट तक इसको धीमी आंच पर पकाइएगा और बीच बीच में इस तरह से मिक्स करते जाइएगा। अभी चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं तो छन्नी वाले जो बर्तन रहता है उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और पूरा पानी इस तरह से निकाल देंगे। और थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद इसको थोड़ा ढककर रख देंगे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरी हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करिएगा। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।